यहाँ पे क्लिक करेंगे, आइटम जीरो पे जाएंगे और यहाँ पे जाके आइटम वन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम रखेंगे इसको इस तरीके से, सेलेक्ट करके कॉपी, यहाँ पे करेंगे एंटर और यहाँ पे आइटम टू की प्राइस को दिखा देंगे। और यहाँ पे मैसेज दिखा देते हैं, सेमी कॉलन लगा देंगे। तो यहां पर भी हम एंड लाइन ले लेंगे न्यू लाइन के लिए, और यहां पर भी हम एंड लाइन ले लेंगे न्यू लाइन के लिए। आइटम फाइव ठीक है, अब इसका आउटपुट लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। पांचवा आइटम की आपके पास अमाउंट आ गई, अब इसका आउटपुट बनाएंगे टोटल के ऊपर। फिर सी आउट करेंगे, यहाँ पे टोटल टैक्स दिखाएंगे हम, यहाँ पे टैक्स की वैल्यू यहाँ पे शो करेंगे, उसके आगे परसेंट और यहाँ पे न्यू लाइन लगाएंगे। यहाँ पर हम लेंगे, सब टोटल आ गया उसका, और अब यहाँ पे लेंगे हम टोटल अमाउंट। ठीक है, तो इन सब का टोटल बना 188.35, 7% उस पर टैक्स लगाया तो टोटल अमाउंट बना 201। अब टैक्स हमने जो कैलकुलेट किया वो कितना बना 7% के हिसाब से, तो यहाँ पे आगे लेंगे उसका अमाउंट, गलत ले लिया, टैक्स किस पे लिया हुआ हमने, टैक्स में लिया हुआ है ना। अच्छा याद रखना, ये वाला टैक्स कांस्टेंट है, ये वाला टैक्स इंटीजर है, ठीक है, और वेरिएबल है। तो आ गया देखो, टोटल आ गया 188 और ₹13 उसके ऊपर टैक्स लगा, जिसके बाद टोटल कितना हो गया ₹201.534 टैक्स की भी वैल्यू हो गई 7% के साथ, ठीक है।